अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और जब वो अपनी पार्टी को मजबूत इस न्याय यात्रा के जरिए कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमले बोल रहे हैं। अब अपनी रैली के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक का मामला हुआ था उसको एमपी की रैली में उठाया और साथ ही अग्निवीर को लेकर के एक बार फिर से निशाना साधा केंद्र सरकार के ऊपर। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट में। आप भैया, यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, आपका पेपर लीक हुआ कभी? ये देखो, आपको रोजगार नहीं देते, आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहते। ये मैं आपसे कहना चाहता था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ इस अंदाज में युवाओं को साधने के बहाने यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने ये बयान एमपी के राजगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिया। कांग्रेस नेता ने एमपी की जनता के सामने देश के तीन बड़े मुद्दे भी गिनाए, जिनकी आड़ में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और तीसरा भ्रष्टाचार एनडीए सरकार में चरम पर है, लेकिन इन तीनों मुद्दों को गायब कर दिया गया है। राहुल सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा दिया। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा का ये तीसरा दिन था जिसमें उन्होंने केंद्र की नीतियों पर जमकर हमला बोला। कहना चाहता था, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं।